लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गुजरात में बारिश और बाढ़ से 22 लोगों की मौत, कई राज्यों में मची तबाही। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कल एक घंटे की बारिश से दिल्ली का हाल बेहाल हो गया था। नई दिल्ली, बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में भारी तबाही मचा रखी है। गुजरात में कल तक बाढ़ और बारिश से 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कल एक घंटे की बारिश से दिल्ली का हाल बेहाल हो गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर 10 फीट ऊंची बस का 8 फीट हिस्सा पानी में डूब गया था। पानी पानी हो गया राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कल हुई बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर में हुई पहली बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रख दी। थोड़ी देर हुई बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मानसून पूरे महाराष्ट्र में कहर बरपा रहा है। राज्य के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों में हुई बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रदेश के कोल्हापुर जिले में भी तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी यहां तेज बारिश का अनुमान जताया है। गुजरात में 22 लोगों की मौत। गुजरात के नवसारी जिले में लगातार के बाद अब तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्री आफत भी झेलने पड़ रही है। शुक्रवार को तेज हवाओं के चलते नवसारी के तट पर 35 से 40 फीट ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड के चलते समुद्र से सटे गांवों में पानी भर गया है, जिससे यहां रहने वालों की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा पानी का बहाव। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई तेज बारिश के बाद कोटी नाले में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया, जिसके चलते नाले से सटी सड़क का हिस्सा पानी में बह गया। रोड बहने की वजह से यहां को लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। राजौरी में छोटी नदियों का जल स्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते राजौरी की छोटी नदियों में भी जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। प्रशासन की ओर से नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले नेशनल हाईवे पर गिला लैंडस्लाइड का मलबा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश से हुई लैंडस्लाइड के चलते मलबा नेशनल हाईवे 125 पर आ गया, जिसके बाद से नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। बारिश में भूस्खलन की आशंका के चलते कुछ जगहों पर आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बिहार के सहरसा में कोसी का जल स्तर बढ़ा। बिहार के सहरसा में कोसी का जल स्तर बढ़ने के बाद नदी के किनारे रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। बारिश के बाद कटाव के चलते कोसी नदी का पानी पुराने तटबंध के पास आ गया है। तटबंध के आसपास रहने वाले लोग भजन कीर्तन कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोसी में बाढ़ न आए, वरना इन लोगों के सामने जान माल का खतरा पैदा हो जाएगा।